देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत बहस चल रही है। एक वर्ग है जो ये कहता है कि क्या इस देश में आरक्षण की जरूरत है, दूसरा वर्ग कहता है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेन सिस्टम का या मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, उनको आज भी उस ताकत की, सरकार की तरफ से दी गई सहूलत की सख्त जरूरत है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब तक जो आरक्षण दिया जाता रहा है उसमें सब कैटेगरी बनाने को लेकर अब विचार होना शुरू हो जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की संवैधानिक बेंच ने यह बड़ा फैसला सुना। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक अहम योगदान दिया। मैं बताती हूं कैसे। शेड्यूल कास्ट वर्ग में 2 जातियों के ज्यादा आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकाबले 6 जजों की सहमति से क्या कहा, यह कहा कि शेड्यूल कास्ट वर्ग में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहला सवाल यह उठता है कि ये सब कैटेगरी क्या होती है। तो सब कैटेगरी का मतलब होता है कोटे में कोटा, यानी एससी में, अनुसूचित जाति में जो जातियां शामिल हैं उनमें से उन जातियों को आरक्षण का फायदा दिया जाएगा जो अभी भी पिछड़े हैं, यानी अभी जो शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण का लाभ मिलता है, उस 15% में से शेड्यूल कास्ट के ही कुछ और ऐसी जातियों को ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि अब एससी एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर क्या है? यह सिर्फ ओबीसी वर्ग में आरक्षण में इस वक्त लागू होता था। जिस परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित नेताओं और सोशल मीडिया पर एक्टिविस्टों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से आरक्षण में छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। सुनिए आप चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति इस पर हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। इस फैसले का बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग जो धनाढ्य हो गया है, जिसके कई पीढ़ियों से लगातार अधिकारी हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और वो वर्ग जिसकी सहभागिता कम है, वो गरीब हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जो एकदम आरक्षण के हाशिए पर हैं, इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दलित और आदिवासी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिक्कत क्या है? संविधान सभा में जब एससी एसटी वर्ग को आरक्षण की बात हो रही थी तब भी वर्गीकरण का कोई जिक्र नहीं था। शेड्यूल कास्ट के नेताओं का कहना है कि इस फैसले में दलित वर्ग में आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे जो तर्क दिया है वो क्या दिया है? ये कहा है कि अनुसूचित जाति की कुछ उपजातियों को आरक्षण का पूरा फायदा मिल ही नहीं रहा है और इसीलिए उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले पहली शर्त क्या है, उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा आपको सामने रखना होगा। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को आप 100%
10% कोटा नहीं दे सकते। ये दो शर्तें हैं। इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर से क्रीमी लेयर आरक्षण के लाभ के सिद्धांत पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। सवाल ये पूछा जाने लगा है कि एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि भाई एक को लाभ मिल गया वो आईएएस आईपीएस या एक बड़ा अफसर बन गया तो पूरा परिवार बदल गया ना, उसके बेटे बेटियों का लाभ हो गया, वो अच्छे स्कूल में जाने लगे, उनकी परवरिश और अच्छी होने लगी, तो क्या उनको उस कोटा उस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या आरक्षण जिस सोच के तहत दिया गया था उसका फायदा समाज सबसे पिछड़े वर्ग तक पहुंचा पा रहा है। इसी को समझने के लिए साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। हालांकि इस कमेटी का जो काम है वो ओबीसी वर्ग में किसी जाति को आरक्षण का कितना फायदा मिला ये जानना था। कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक साल 2018 तक 1,30,000 नौकरियां ओबीसी कोटे के तहत दी गई। इनमें से 97% नौकरियां ओबीसी में शामिल सिर्फ 25% जातियों को मिली, यानी बाकी की 75% ओबीसी जातियां या उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ 3% मिला। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 37% ओबीसी की जो जातियां हैं यानी 983 जातियों को ओबीसी कोटे के तहत एक भी नौकरी नहीं मिली है। यह पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने तो सच्चाई यह है कि आरक्षण के लिए जिन जातियों का चयन किया गया था उनमें से ज्यादातर जातियों को तो आरक्षण का फायदा मिला ही नहीं है, और इसीलिए बार बार क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा की मांग उठती रही है। इन्हीं सवालों को लेकर आज एक बहुत ही शिद्दत वाली गूंज और बहस शुरू होने को है। इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े मुखर और प्रमुख नेता उदित राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईआरएस रह चुके हैं और खुद जो हैं वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले उनसे शुरुआत और बाकी तमाम मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। बद्री नारायण जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर, समाजवादी पार्टी के फिरोज किदवई साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत उदित राज जी आपसे, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मैंने पढ़ा तो नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ और अभी जजमेंट को निकालने का समय नहीं है। दो चीजें निकल के आई जो आपकी आपसे सुनाऊं मैं और सोशल मीडिया में भी यही सुना देखा मैं। एक तो है कि क्रीमी लेयर और दूसरी बात है कैटेगराइजेशन के बारे में। दो चीज मेरा ख्याल है कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दो भाग है, एक तो क्रीमी लेयर अलग बात है और कैटेगराइजेशन एक अलग बात है। मैं सही हूँ अगर आप मैं सही कह रहा हूँ आपको? एब्सोल्युटली सर, मैं आपसे जान लूं क्योंकि जैसे मैं सतीश चंद्र शर्मा जी का एक आपको बस वो जजमेंट पढ़ के बता देती हूँ। आई एम फुली इन अग्रीमेंट विद द ओपिनियन टू द एक्सटेंड दैट एनी एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग सब क्लासिफिकेशन बाय द स्टेट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डेटा। सी व्हाट हैपन आर नंबर ऑफ थिंग्स, एम्पिरिकल डेटा तब आएगा जब जनगणना होगी। बिल्कुल सही। अब जनगणना में अकाउंट और शैक्षणिक अकाउंट यानी सर्वे में ही निकल के आता है। ये सरकार इतनी मतलब लुंजपुल की सरकार है, दुनिया में कोविड के चपेट में और देश भी आए, लगभग 100 देशों ने उसके बाद में अपने यहाँ जनगणना करा ली। हमने 2011 के बाद में हमारी जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी लेकिन 2024 से जनगणना नहीं हो पाया, तो ये आंकड़ा निकालना मुश्किल है चूँकि इकोनॉमिक इंडेक्स और सोशल इंडेक्स और एजुकेशनल इंडेक्स वहीं से निकल के आएगा। एक बात
दूसरी बात है कि क्रिमिनल है इस केस में तो ऐसे निकल कर आएगा कि किसको कितनी नौकरियां मिली है, किस जाति के लोग किस नौकरी में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं। जैसे 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 रोहिणी कमेटी रिपोर्ट थी, ओबीसी में वर्ग में कितने की कैसी नौकरियां मिली है, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। और दूसरी बात है कि दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रिमी लेयर नहीं लागू होना चाहिए। इसलिए नहीं लागू होना चाहिए क्रिमी लॉयर कि ये एक विशेष जाति को दिया गया है, आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़ेपन के कारण संविधान ने आरक्षण दिया, तो संविधान की बुनियाद को हिला दे रहा है, संवैधानिक आधार है ही नहीं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे नीट हो IIT हो, तो पहली जनरेशन के बच्चे इतना कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या कि आज भले IAS IPS हो, तमाम सारे इंस्टांसेस आपको दिखा दूँ, तो भले उनकी आर्थिक रूप से स्थिति सुधर गई हो, लेकिन शैक्षणिक रूप से कम सामाजिक रूप से आज भी उनकी हालत वही है। यानी तमाम सारे एग्जाम्पल्स मैं देना नहीं चाहता, वो आंकड़ा मैं दे दूंगा। IAS लोग बने, IAS IPS जब घर लौट करके गए, गांव लौट के गए, तो सवर्णों के क्षेत्र में जमीन खरीदना चाहा, रहना चाहा, तो नहीं खरीद पाए। तो एक क्रीमी लेयर का जो बात है। तीसरी बात जो मैं सबसे ज्यादा रूबिका जी कहना चाहता हूँ, कि जब बिहार सरकार ने जनगणना कराई और देखा कि 90% धन केवल जनरल कैटेगरी के पास में है, 10% में पूरा बैकवर्ड शुरू का चाहे जमीन जायदाद है, व्यापार है, सिमट गया। उसको देखते हुए नीतीश सरकार ने 65% तक आरक्षण दिया, फिर पटना हाई कोर्ट ने उस आरक्षण के ऊपर रोक लगा दिया, फिर बिहार हाई कोर्ट, बिहार सरकार अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है 65% नहीं होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को लगातार देखता हूँ, आरक्षण के विरोध में तो जजमेंट दे देते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये भी देखा कि क्या रिजर्वेशन लागू हो पा रहा? 30 लाख इस समय वैकेंसीज हैं पूरे केंद्र सरकार में, उसको लागू करने के लिए कुछ किया? एक बार हुआ क्या था कि करिया मुंडा के पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, फार्मर MP थे, तो सुप्रीम कोर्ट से मांगा था कि आपके यहाँ कितने एम्प्लाईज हैं, तो उन्होंने कहा हम रिजर्वेशन लागू नहीं करते। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद बड़ा अन्याय करते हैं, इनके स्टाफ में रिजर्वेशन लागू नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के जजमेंट देते रहते हैं। नहीं, मैंने आपकी मैं कायदे से आपकी बात सुन रही थी, बस मैं अब दो चीजों पर आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है कि बाकी वर्गों को भी, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जिनको अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, उन्हें फायदा मिले, तो ये तो वेलकमिंग होना चाहिए ना जजमेंट। देखिए ऐसा है, सुनिए, लेकिन मैं इसी सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ कि ये तत्परता दिखाता है, जब आरक्षण को कम करना होता खत्म होता है, लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और तमाम सारे क्लर्क होते हैं, स्टेनो होते हैं, वहाँ खुद ही रिजर्वेशन नहीं लागू किया है। जो अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, देखिए ऐसा होता है कि जो सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि असेंबली, जैसे बिहार विधानसभा की असेंबली ने ये कानून बनाया कि 65% रिजर्वेशन किया जाता, हाई कोर्ट ने रोक दिया। अरे भाई, जब जनता के प्रतिनिधि कानून बनाएंगे और कानून भी नहीं बनाने देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लोग नहीं, पर जी, आप तो एक साइड से देख रहे हैं ना भाई, देश में अलग अलग वर्ग भी तो मौजूद है ना, और इसीलिए कैप लगा दिया गया ना। उदय जी,
उदित जी, क्रीमी लेयर और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों मसले को मैं अब डिबेट में आगे ले जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप गाड़ी में मौजूद हूँ, लेकिन उसके बावजूद न्यूज 18 इंडिया से इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आप शरीक हुए, शुक्रिया उदित राज जी। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेता उदित राज को आपने सुन लिया, बाकी सारा पैनल आपके सामने मौजूद है। मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। समीर चौगाकर जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। सवाल सीधा सा आज की तारीख में यह है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, इस फैसले पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अभी चुप्पी साधे हुए, मुझे सिर्फ अभी किदवई साहब नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाकी किसी प्रवक्ता ने यहां पर इसलिए नहीं फैसला लिया आने का क्योंकि इस पर कुछ भी कहने से पहले खूब तौलना मौलना होगा। बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का जो फैसला आया है, यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2017 में लिए गए निर्णय की एक लंबी कड़ी के रूप में आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया था, रोहिणी आयोग के गठन किया था प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि ओबीसी में पता तो पड़े कि SC ST में आरक्षण किसको मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते थे और भारतीय जनता पार्टी का इस बात का मानना था कि आरक्षण का लाभ एक खास वर्ग उठा रहा है, और रोहिणी आयोग का जब इतना बड़ा अध्ययन हुआ, 3 बार का एक्सटेंशन किया गया, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को सौंप दिए, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जल्द ही उसे संसद के अंदर पेश करेगी। इस सत्र में संभावना मुझे कम लग रही है, अगले सत्र में सरकार करेगी, सर्वदलीय बैठक बुला के उसका जिक्र करेगी। उसमें कहा गया है 4,000 जातियों में से 40% जाति है जो 80% आरक्षण का लाभ ले रही है, और बाकी जातियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। कई जाति ऐसे हैं जिन्हें कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला और वह इस आरक्षण के लाभ से हमेशा वंचित रही है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआत की थी कि भाई आरक्षण का लाभ सबको मिले, ऐसा ना हो कि बिहार और यूपी में से ज्यादा सारा लाभ ले जाए, सबको नहीं मिल रहा है, और दो कैटेगरीज इसीलिए यहाँ पर नजर आ रही है। सतीश के सिंह साहब, भाई एक को जब आरक्षण मिल गया है तो क्या उसके परिवार के अगले को आरक्षण मिलना चाहिए? ओबीसी में वो क्रीमी लेयर क्या कहीं और भी लागू होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो ठीक है, लेकिन पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब देखिए, ये जो आप अभी बता रही थी, इस जजमेंट का जो SC ST के लिए भी, मेरे ख्याल से उसका रोहिणी कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, वो रोहिणी कमीशन ओबीसी के लिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया जो जजमेंट आया है, मतलब केंद्र के वकीलों ने उस ढंग से बात रखी थी जो कि फैसला आया है 6-1 से। तो एक दो बात है। तीसरी बात यह है कि क्रीमी लेयर बहुत छोटी सी बात है, मैं तो मानता हूँ कि जो आरक्षण है वो ही खुद निरर्थक हो गया है। एक समय स्थिति ये थी कि 10 साल के लिए आरक्षण लागू हुआ था, लेकिन आज जब नौकरी है ही नहीं तो आरक्षण का क्या मसला है? बचता है। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जात जो है ना, ये सरकार का पीछा जो है न संसद में छोड़ रही है न कोर्ट में छोड़ रही है। पर सतीश जी, नौकरी है नहीं लेकिन लड़ाई इतनी तगड़ी है। देखिए, अरे भाई, लड़ाई तो राजनीतिक है ना भाई, नौकरी होनी चाहिए कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ कि आप एक काम करिए, सारी नौकरियां सरकारी निकाल करके 10 साल के लिए, स्थितियां ऐसी हैं कि आप 10 साल के समूचा रिजर्व कर दीजिए, ये स्थिति में आई है जो कि संभव नहीं है। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए क्या है कि दलित समुदाय, अब 6 जजमेंट इस तरह के आए हैं, और मुझे नहीं मालूम कि ये जब जजमेंट पढ़ना पड़ेगा कि ये सिर्फ राज्यों के लिए लागू किया गया या केंद्र के लिए भी है, ये मुझे स्पष्ट नहीं है अभी। तो अगर 6 जजमेंट इस पर आए हैं, अलग अलग व्यू के आए हैं, इस बार मेजॉरिटी का जजमेंट है, मुद्दा यह है कि दलित समुदाय, जो SC ST समुदाय को आप इस ढंग से कहती हैं, वो एक बवाल तो ही राजनीतिक मचेगा ही, कारण कि ये पूरे दोनों कम्युनिटी को वो कैसा दबाव दबाव नहीं, बवाल में कह रहा हूं, बवाल ये है कि SC ST जो है, जो समुदाय है, उसको तो मतलब दबा कुचला हुआ माना ही गया है, इसीलिए उसको इकट्ठा माना गया था। ये मांग भी आ सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और रिव्यू मांगिए या फिर संसद से इसको बदलिए। इस तरह की स्थितियां बनेगी, क्योंकि अपने अपने फायदे से करेंगे ना। क्योंकि आपने क्या देखा कि जाति जनगणना, सुनिए, जाति जनगणना की मांग हो रही है, यही हो रही है। बद्री नारायण जी, यहाँ पर पॉलिटिक्स अलग और सामाजिक न्याय, ये दोनों अलग अलग लेवल पर नजर आएंगे, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और चीजें जो हैं आसान हो जाएंगी? क्योंकि अब तक ये देखा जाता था कि वोट बैंक है ना भाई, तो अब ऐसा करो कि इनको ज्यादा आरक्षण का फायदा दे दो,
इनको ज्यादा भर्तियां करवा दो, लेकिन अब कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि आपको एम्पिरिकल डेटा पहले देना होगा कि किस जाति को कितनी नौकरियां मिल पा रही है और उसके बाद सब कैटेगरी में उनको फायदा पहुंचाना होगा। बद्री जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। किदवई साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद है, फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी ने इसका इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है कि जो भी एससी एसटी को आरक्षण मिलता है और इसमें जो क्रीमी लेयर की खासकर बात है तो आरक्षण का कोटा मुझे ये लगता है कि बढ़ाना चाहिए और जो जो भी वंचित समाज है विद इन एससी एसटी एंड ओबीसी, ये फैसला तो एससी एसटी का आया है तो उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उनको फायदा देना चाहिए। दूसरी बात संतोष जी की अभी मैं बात सुन रहा था रूबिका जी, उसमें मैं एक चीज करेक्ट कर दूं कि आरक्षण का जो 10 साल वाला जो एक थॉट प्रोसेस था वो जो संसद में और विधानसभा में जो आरक्षण दिया जाता है उसका था 10 साल की कैपिंग। मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई थी उसके बाद में नौकरियों में और क्या नाम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 10 साल का कोई वहां पे कैप नहीं था। रूबिका जी एक बहुत अच्छा शेर है एससी एसटी और ओबीसी के ऊपर और जो ये आरक्षण है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। रूबिका जी आजादी से पहले से लेकर के और जब तक के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया तो एससी एसटी और ओबीसी या खासकर एससी एसटी के कुछ आंसू तो पूछे, लेकिन आजादी के बाद से और खासकर 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जिस तरह से एससी एसटी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं या उनके फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं या सरकारी नौकरी के फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देख रहा था रूबिका जी 2021-2022 का, लिटरेसी रेट आपको पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स का कितना है एज पर पीएलएफए 69.6% और जनरल का कितना है 85.9%। इतना ज्यादा डिफरेंस है रूबिका जी आज भी जब हम बोलते हैं कि हम आज उस भारत में रह रहे हैं जहां पर अमृत काल चल रहा है, रेगुलर वेज जो हमारी टोटल लेबर फोर्स है अगर आप उसकी बात करिएगा तो जनरल कैटेगरी जो है उसको 30% रेगुलर वेज मिलती है लेकिन एसटी जो है वो 12% पे महरूम है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से एससी और एसटी और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली मतलब यहाँ जो सरकार के दावे हैं जो आंकड़े हैं वो सबके सब झूठे हैं। नहीं, आंकड़े तो मैं भी आपको दे रहा हूँ रूबिका जी, और एक आंकड़ा मैं आपको अभी और बता देता हूँ रूबिका जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स की 23 जुलाई की एक खबर है जिसको आप भी पढ़ लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जो एससी एसटी के जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो उनके फायदे के लिए जो बजट आवंटित किए गए थे उसमें 95.76 करोड़ स्कीम में ट्रांसफर कर दिए गए। फंड्स को किसी और चीज में लगा दिया जा रहा है। समीर चौगावकर जी, रूबिका जी, हालांकि फराज साहब पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि ये काम कर्नाटका में हो रहा है और बड़े लेवल पर हो रहा है। रूबिका जी, समीर चौगावकर, 2012 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अभी योगी आदित्यनाथ ने बताया था विधानसभा का सत्र चल रहा है कि नौकरियां किस वर्ग को दी गई है, सारी नौकरियां यादव वर्ग को दे दी गई थी और सबसे ज्यादा दलितों में जो अत्याचार हुआ है वो अखिलेश यादव की सरकार में दर्ज हुए हैं। ये इस बात का जवाब दें कि जब अखिलेश यादव की सरकार में समीर जी आप प्रूव करिए सबसे ज्यादा अत्याचार में योगी आदित्यनाथ ने यादव का उत्थान होना गरीबों का उत्थान होना है। यादव की पार्टी सिर्फ यादव का भला करती रही और आज ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार नहीं हो रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनकी सरकार में आदिवासी देश की राष्ट्रपति बनती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनके इसमें सबसे ज्यादा सांसद दलित और ओबीसी के जीत कर आते हैं, कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री दलित और ओबीसी के रहे, जिनके राज्य में सबसे ज्यादा दलितों को अधिकार दिया गए, संवैधानिक और क्या एक पॉलिटिकल खेल अलग चलता रहेगा और सामाजिक न्याय अलग, क्योंकि अगर 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 देखिए आप दलित विषयों के जानकार हैं सर, आप अच्छे से जानते हैं कि दलितों के नाम पर आरक्षण जमीन तक कितना पहुंच पाया है और आज भी उनकी स्थिति किस हालत में है।
रूबिका, ये जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि दो, इसके दो कारण हैं। मैंने देखिए, मैं 20 सालों से इस पर लिख रहा हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दलित कम्युनिटी इज नॉट होमोजेनियस कम्युनिटी, इट्स हेटरोजेनियस कम्युनिटी। और हर राज्य में आप देखेंगे कि 60-70, उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, जिनमें अगर आप याद करें 4-5 से ज्यादा को आप याद नहीं कर पाएंगे। 60 के आसपास जातियां इनविजिबल हैं, तो विजिबल एंड इनविजिबल। वो इनविजिबल क्यों है कि उन तक स्टेट रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाई, आवाज नहीं, उनके कैपेसिटी टू एस्पायर ही नहीं विकसित हो पाया। तो ऐसे में, और ऐसे ही बिहार में देखिए 20-22 है, 3-4 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं मिला है। माला माड़िका आंध्र प्रदेश, मातंग महाराष्ट्र, हर जगह 2-3 जातियां, 4 जातियां एससी में इसको फायदे इनको मिलता रहा है। और रूबिका, आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 2016 में मैंने इस पर एक लंबी बड़ी किताब फ्रैक्चर्ड टेल्स इनविजिबल्स इन इंडियन डेमोक्रेसी लिखी थी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी थी, और उसमें मैंने ये आर्गू किया था। तो हमारे जो डोमिनेंट यानी विजिबल दलित कम्युनिटी, यानी जो बड़ी जातियां हैं दलितों में, उनके लोग जो हमारे साथी थे, दोस्त थे, बहुत नाराज हो रहे थे कि ये तो आप फाड़ कर रहे हैं। अरे भाई, फाड़ नहीं है, जब तक ये स्टेट रिसोर्सेज उन तक नहीं पहुंचेगी, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक ये कैपिलरी होल्स बन जाएंगी। और जिसको कि अम्बेडकर कहते थे कि नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, अम्बेडकर बहुत नाराज थे बाबा साहब इस तरह के, जो मिडिल क्लास विकसित हो रहा था दलित इस चीज में, दलितों में, कि दे आर नॉट पेइंग बैक टू देयर कम्युनिटी। तो यहाँ सवाल है कि ये इस निर्णय से पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बंद कमरे में फैसला दे देता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, हमें अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, और उसी में सब कैटेगरी लगा देना, ये तो हमारे हिस्से में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये आपस में जो लड़ाई हो जाएगी, उससे कैसे निपटा जाएगा? सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है ये अभी। देखिए, लड़ाई लड़ने की अभी बहुत सारी जो छोटी जातियां हैं उनको शक्ति नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी उनके इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, उनके अपने आप लीडर्स नहीं है, कम्युनिटी लीडर्स नहीं है। लेकिन किसी को तो उनके लिए बोलना होगा, वो आप बोलेंगी, हम जैसे लोग बोलेंगे, गाली खाका के भी बोलेंगे, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो उन तक ये पहुंचेगा ही नहीं, और वो नहीं पहुंचने से उनकी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ी होगी, और अगले 100 साल तक वो वहीं पड़े रहेंगे। तो अगर डेमोक्रेसी को डिसमिनेट होना है, डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज को पहुंचना है, उनको अपने ही भाइयों को शक्तिवान बनने देना है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ी हुई जातियों को भी स्वागत करना चाहिए। विजिबल दलित, मैं ये नहीं कहूंगा डोमिनेंट एससी, मैं कहूंगा विजिबल एससी। लेकिन देखिए, समाज के नजरिए से बद्री सर, ये बड़ा ये ऐसा होना चाहिए, ये बहुत ही मुफीद, जिसे कहते हैं ना, सिचुएशन है कि ये तो आना ही चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकती है, तो ऐसे में वो खेल यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ हुकम, कांग्रेस का क्या टेक है? आपकी तो बातचीत हो गई होगी, कुछ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है, कहा है पहले हम फैसला सुनेंगे, पढ़ेंगे, जजमेंट की कॉपी को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ कहेंगे। मतलब पॉलिटिकल पार्टियां डर रही है, और आपकी पार्टी, मतलब आप जिसे पसंद करते हैं, वो सबसे ज्यादा जाति जाति कर रही है इस वक्त। रूबिका जी, खमागणी हुकम। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये हमारे फोर फादर्स का जो विजन था, इसका रिफ्लेक्शन है। हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सारे आर्टिकल्स लगाए, आरक्षण के लिए भी लगाए, राइट्स के लिए भी लगाए। उनका जो विजन था, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है। आज 75 ईयर्स हो गए हमारे आजादी को, तो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी, उस चीज का विवेचना होनी चाहिए, इसमें बुराई की क्या बात है। और जो क्रिमिलेयर की बात करिए, मान लीजिए एक पीढ़ी, तीन पीढ़ी हो गई आईएएस, आपने जैसा बताया अभी, तो फिर उसको किस बात का आरक्षण? तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अभी ये किसी पैनलिस्ट ने कहा भाई नौकरी है नहीं तो आरक्षण, लेकिन पहले थी सोशलिज्म, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी पे चल रहा था देश, मनमोहन सिंह जी का जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो उसके बाद से निजीकरण आ गया, तो सरकारी नौकरियों का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो आपको नया सिस्टम आप देश में लिया है कैपिटलिज्म का, उसके अनुसार आपको विवेचना करनी पड़ेगी आरक्षण की। मैं ये बात करता हूँ तो कुछ जो इसका फायदा उठा चुके हैं ओबीसी की जातियां, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आरएसएस का एजेंट है। मैंने उनको समझाया भाई आपका नुकसान कर रहे हो आप छोटी जातियों का, पर उनकी समझ नहीं आई। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने करी बिल्कुल सही करी है। मान लीजिए कोई अपने राजस्थान में जैसे कोई छोटी जाति है, उसको कोई वंचित है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है,
एक वर्ग से अगर आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सरकारी नौकरी मिल गई। हुकम जितना ओपनली आप कह पा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से ये बात नहीं कही जा रही है ना, वो नहीं इतना ओपनली कह पा रहे हैं। अच्छा कांग्रेस तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कह पा रही है। कांग्रेस तो प्रवक्ता नहीं देती है। आज तो इस डिबेट में बीजेपी का प्रवक्ता भी आपको नजर नहीं आएगा। जाति वाला जो मामला है, मैं वरुण जी एक सेकेंड, ये जाति वाला जो मामला है ना सतीश जी, ये बहुत टेढ़ी खीर है। देखिए हर कोई डरता है, ये तेल है खोलता हुआ, कौन हाथ जलाएगा। देखिए प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि तीन ही चार जातियां हैं देश में, जाति उस जिस तरह की जातियां चल रही हैं उसको तो मानते भी नहीं है। दूसरी बात, जो पूरा संघ परिवार है, जो भाजपा है, वो पूरा हिंदुओं को एक करने में लगी हुई है, लेकिन बार बार वो जाति पे उनको आना पड़ रहा है क्योंकि रिजर्वेशन से हट नहीं सकते। नंबर टू, आना पड़ रहा है कि लाया जा रहा है? नहीं, आना भी पड़ रहा है क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ना कि ये जो फैसला आया है उसे जो दलित वोट बैंक की बात हम लोग राजनीतिक ये देखते हैं, उसका पूरी परिभाषा, उसका काम ही बदल जाएगा। कौन सा दलित, अब तो अलग अलग जाति के दलित हो जाएंगे इस नतीजे के बाद। पर सतीश जी सुनिए ना, राजीव गांधी ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान को एंटी कास्ट एक देश बनाना है, अगर डेवलपमेंट चाहिए, अगर देश को आगे ले जाना, ये कोई नहीं, राहुल के पिताजी राजीव गांधी का ही कहा था तो उनको वो, और उन्होंने अपने भाषण में सर ये कहा था कि नहीं कहा था कि देखिए एक एक बार जो है अगर किसी को आरक्षण मिल गया, उस वो जज बन गया है, तो उसकी पीढ़ी को आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्या इस पर खुलकर बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर राजीव गांधी ने उस वक्त कहा था, इंदिरा जी के समय भी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर चला गया था, नारा लगा था, लेकिन रिजर्वेशन भी तो 60-70 साल में ही आया ना। तो अगर कांग्रेस के नेता इसको चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने अपने को क्रिटिसाइज करके बदलाव कर रहे हैं, तो बीजेपी कह दे कि वो इसके पक्ष में कास्ट काउंट के या नहीं है, तो कह रहे हैं वो बात है। दूसरी बात सुन लीजिए, आप एक चीज छोड़ दी, ये जीत बड़ा मकसद है, समाज में बदलाव बड़ा मकसद नहीं है। वरुण जी जल्दी अपनी बात रखिए। रूबिका जी, जो आपने राजीव गांधी जी की बात चल रही है, मैं उसी को कंप्लीट करना चाह रहा था। पहले तो नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का जो विजन था कांग्रेस को, उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधीयन थॉट पे हमारे कंट्री का निर्माण हुआ है, उसी थॉट पे रहना चाहिए था। ये जो ये आरक्षण की ये बात जो है ना, ये थर्ड फ्रंट की राजनीति है, कांग्रेस कभी इस चीज में नहीं पड़ती है, तो कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। वरुण जी, मारी बात तो कोनी हुन रिया हो, हुकम मुँह कह दो आप रे, ठीक है, आपरी बात हुन रिया हो तो जई ने आप बोल दो, बहुत जरूरी है। राहुल जी को आप किसी भाषा में, उनको समझ में आता हो इस भाषा में समझा दीजिए कि उनके पिता भी इसके खिलाफ थे, उनकी दादी भी इनके खिलाफ थी, नेहरू भी इस बात के खिलाफ थे, तो फिर क्यों कांग्रेस डिविएट कर रही है उस चीज से? कांग्रेस डिविएट कर रही है तीनों के, मैंने कहा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के विजन से, इसीलिए कांग्रेस 10 साल से सत्ता में नहीं आई। सत्ता में आने में कोई दिक्कत नहीं, जनता कांग्रेस को पसंद करती है, पूरे दिल में सब, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। नहीं नहीं सतीश जी, देखिए जैसे जैसे सोशल मीडिया पर आप पर सवाल उठते हैं ना, सतीश जी ने भी उठा दिया, बोले कांग्रेस का साथ देने वाले आदमी लग रहे हैं आपको। भाई मैं तो अच्छा कांग्रेस का साथ दिखाऊंगा। सतीश जी आपकी उम्र कितनी हुई देखो, मैं बताता हूँ, आप भी प्रश्न लगा रहे हो, मैंने कहा ना ये देखो राजीव जी के साथ रहता था, फोटो देख लो आप अच्छी तरह देखो, और मेरे पिताजी का सबका बैकग्राउंड पता कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। लेकिन सच बोलने से कोई डरेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एमएलए एमपी टिकट के लिए चातुकारिता की जाती है क्या, ये बताइए आप मुझे। जो राजीव जी के टाइम जब मैं यूथ कांग्रेस में आ गया था, तो मैं उस चीज से कैसे अलग हटूंगा। मैं राहुल जी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, राहुल जी का भी अपना एक सतीश जी जवाब दे दीजिए। ओके वरुण जी, देखिए मैं आपके आप पर व्यक्तिगत सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हमको नहीं लगता कि आप पार्टी की लाइन बता रहे हैं। कांग्रेस में ऐसी परंपरा रहती है कि कांग्रेस में रहते हुए ये भी उल्टा पुल्टा लोग बात करते हैं, ये आपकी शायद आंतरिक डेमोक्रेसी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे भाजपा का रुख पहले अलग था, अब कुछ दूसरा है, पहले कांग्रेस वालों का कुछ दूसरा था, अब दूसरा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको डिबेट करिए ना। ये थोड़ी कह दीजिए कि आपकी जात क्या है, आपका क्या है, ये बात है नहीं। सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी थी वो बदल के मनमोहन सिंह जी के एरा में, तो बदली नहीं जा सकती क्या वो? अरे ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का बदला जा सकता है या नहीं? अभी आपके नेता चिदंबरम ने लेख लिखा है कि उसमें अब बदलाव करना आवश्यक है। चिदंबरम का लेख तो आपको याद है सतीश जी,
आपको आनंद शर्मा का लेख क्यों नहीं याद आता है? उन्होंने एक लेख लिखा है, देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमें इस मुद्दे पर नहीं कास्टिज्म पर समर्थन देना चाहिए। देखिए मैं कास्टिज्म पे नहीं, वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बोल रहे हैं। नहीं मैं जातीय जनगणना की बात कर रही हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रही हूँ। इन मुद्दों पर आज ओपनली बात करना बहुत जरूरी है सर। मुझे ये बताइए आज की तारीख में जब ये चर्चा हो रही है कि बहुत सी ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनको सच में आज मदद की जरूरत है। बिल्कुल है। आरक्षण के नाम पर कई लोगों को बहुत कुछ मिल गया है और कई लोग आज भी वैसे के वैसे बद्रीनाथ जी बैठे, बताइए बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं सर? आरक्षण का लाभ कहाँ आया? बिल्कुल रूबिका, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। और मैं फिर से ये जो निर्णय है ये बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने वाला निर्णय है, जिसमें वो कहते थे कि दे आर नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी को पे बैक करना चाहिए, खुद ही हमें अपने भाइयों को कहना चाहिए आइए और आप आरक्षण लीजिए। इसमें एक सवाल जो आप उठा रहे हैं जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का, उसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये ठीक है कि इससे बड़ी एससी में बड़ी जातियां नाराज होंगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी जातियां हैं ये खुद कुल मिला करके अगर इकट्ठी हों तो वो भी एक बड़ी वोट बैंक बन सकती हैं। और धीरे धीरे डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस पहुंचेगा, क्योंकि विकास के साथ ही पॉलिटिकल अवेयरनेस भी पहुंचता है, विकास के साथ ही आवाज बढ़ती है, शक्तिवान भी होंगे लेकिन खतरनाक। तब तो फिर ऐसे में क्या समीर चौगावकर जी बीजेपी का फायदा हो जाएगा? मुझे एक लाइन बोलने देंगी? हाँ बोलिए ना। देखिए भाजपा कहती है वो कि हिंदुइज्म 80-20 की राजनीति करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो भी जात की राजनीति करती है। 2014 में या फिर 2017 में जो यूपी में उनको सफलता मिली थी उसका बहुत बड़ा वो था जो उन्होंने वो जातियों का जो सोशल इंजीनियरिंग, ये बोलने की बातें और है, करने की बात और है। चौगावकर जी दिखाने के दांत और खाने के कुछ और, सतीश जी का आरोप। नहीं मुझे लगता नहीं कि सतीश जी अभी संघ का भी जिक्र कर रहे थे, राक्षस संघ का जिक्र कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि संघ का सिद्धांत हमेशा रहा है कि एक कुआं एक मंदिर और एक शमशान। संघ के अंदर जातिवाद नहीं होता, संघ जातिवाद को समर्थन भी नहीं देता, और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई जातिवाद चलता नहीं है। हालांकि राहुल गांधी आजकल जाति जाति बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपनी जाति बता नहीं रहे, लेकिन हिंदुत्व से जाति की बात कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ये बहुत अच्छा निर्णय है, और जिसका कोई नहीं होता उसको सुप्रीम कोर्ट होता है ये कहा जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन जातियों को कोई सपोर्ट नहीं है, जिन जातियों को राजनीतिक सपोर्ट करने वाला नहीं है, जिन जातियों की राजनीतिक और आर्थिक ताकत नहीं है, सामाजिक ताकत नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी उनका हक मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा फैसला है, इसका स्वागत सभी लोग करेंगे, क्योंकि आज जजमेंट आया, पार्टी अपने अपने स्तर पर से पढ़ेगी, एनालिसिस करेगी, डिस्कशन करेगी और पार्टी जिक्र करेगी। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर एक राजनीति का भी एक बड़ा फर्क रहेगा जो इसका राजनीतिक लाभ देखने की कोशिश करेगा, समाज में भड़काने का काम करेगा, समाज के अंदर इससे कैसे अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा जाए इसकी कोशिश करेगा, समाज बचकर रहना उस राजनीतिक वर्ष से जो इस निर्णय के खिलाफ आकर अपना राजनीतिक स्वार्थ लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा निर्णय है, और आज उन जातियों को तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। रोहिणी जी रिपोर्ट का जिक्र किया था, वो जो कमेटी बनी हुई थी, सती जी आपने कहा कि उसका एससी एसटी से कोई वास्ता नहीं है, नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट एक बहुत बड़ा पैमाना, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि रूट जो है वो बनी है कि भाई किसको कितनी नौकरियों का फायदा मिल रहा है ओबीसी में। और उससे ये पता चला सतीश के सिंह साहब के सिर्फ 25% लोगों को फायदा मिल रहा है आरक्षण का, 75% को ओनली 3% फायदा मिल रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, इसीलिए तो वो बना था कि रिव्यू करिए और बदलाव कीजिए कि जिसने ज्यादा मलाई चाभा उसको थोड़ा दाहिने लगाइए, जिसको नहीं मिला उसको ऊपर लाइए। इसी प्रकार का ये सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जजमेंट में। हाँ। लेकिन मैं इसके रेमिफिकेशन की बात कर रहा हूं कि क्या जो दलित वोट बैंक है उसके नेचर में बदलाव आएगा। लोग कैसे कहे, अब कहते हैं ना कि दलित वोट बैंक, अरे भाई अब सब अलग अलग जाति में होगा तो वोट बैंक क्या? मैं इस पॉइंट को फराज साहब के पास ले जा रही हूँ। फराज साहब, दलित वोट बैंक में अगर किसी तरह का बदलाव आता और वो भी सब कैटेगराइजेशन अगर हो जाता है तो उसमें तो कहा जा रहा है कि फायदा फिर बीजेपी को हो जाएगा कि भाई उन्होंने रोहिणी जी की रिपोर्ट को जो है किसी ना किसी तरीके से लागू करवा दिया। अब आप कह नहीं पाएंगे दलित नेता। हाँ तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर फलाना नेता। हाँ। कोई बड़ी जाति का नाम लिया जाटव नेता, पासवान। हाँ। नेता, दुसाद नेता, पासवान नेता। हाँ। दलित नेता तो ये फिर कट हो जाएगा। अब सब कैटेगरी देखिए, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर ये सही फैसला है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस की बात। ओके कित भाई साहब,
रूबिका जी देखिए, मुझे आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। हाँ सर। आप जो अभी बात कर रही हैं कि जो दलित वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा या क्या है, देखिए भारतीय जनता पार्टी रूबिका जी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और इस लेवल तक एक्सपोज हो चुकी है कि एससी एसटी और ओबीसी वोट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से अच्छा खासा खिसक चुका है। दूसरी बात, आपने रूबिका जी अभी एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने अभी बोला कि जातिगत जनगणना की तरफ ये देश बढ़ रहा है या कुछ जातिगत जनगणना की आपने बात की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि 31 अगस्त 2018 को कास्ट सेंसस का आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था और उसमें केंद्र सरकार ने यह बोला था कि कास्ट सेंसस इज अनफीजिबल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज डिफिकल्ट एंड कंबरसम। उसके बाद में जब इनको वोट की चोट लगी तब जाकर के इन्होंने अपना एफिडेविट बदला। दूसरी बात, तीसरी बात रूबिका जी, अभी समीर जी ने एक बात बोली कि फैक्चुअल करेक्शन मैं आपको बता देना चाहती हूं, 1948 से ये परंपरा चली आ रही है और ये नीतिगत फैसला है, ये सेंसस एक्ट 1948 है सर, जिसके अंदर जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, सिर्फ एससी और एसटी की जनगणना हो सकती है। और अगर आपको करवानी है तो सर आपके पास तो बतेरा टाइम था, आप लोग राजीव गांधी के समय में टाइम था, उसके बाद बहुत सी सरकारें आई हैं, 2011 में आपके पास टाइम था, वो एक्ट आप बदल देते ना, किसी ने थोड़ी आपको इनकार किया था। और इसीलिए आज तो गणना हुई थी। नहीं 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 सर, जातिगत जनगणना हाँ हाँ उसमें थी। वो नहीं, वो उसके बाद जाहिर इसलिए नहीं हुई क्योंकि 1948 सेंसस आप बदल नहीं पाए थे ना सर, और हुई थी या नहीं मैं कह रहा हूं, नहीं हुई थी पर आप जाहिर नहीं कर पाए ना, उसका फायदा कहां हो पाया किसी को। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी, वक्त नहीं है हुकम, फराज साहब मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ये चर्चा बड़ी अच्छी रही, इसमें पॉलिटिक्स कम और समाज को लेकर जो आपके मन में सवाल है उसके जवाब खोजने की, लेकिन उनका जवाब तो किसको देना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को करना होता है, तो फिर अब देखते हैं ये पढ़ के जजमेंट कौन आता है और कौन जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।